नमस्कार, अविनाश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आज के कंटेस्ट में वो वैसे विटामिन का वीडियो डालने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है विटामिन सी। इसको आज आप एंटी कोरोना विटामिन भी कह सकते हैं, इसलिए कि विटामिन सी एक इम्यून बूस्टर विटामिन है। उससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, जो किसी भी वायरस से फाइट करने में हमें मजबूती प्रदान देता है। तो इसलिए इस विटामिन को के वीडियो को जरूर देखें। मैंने काफी डिटेल में इस विटामिन में फूड सोर्स के बारे में बताया है कि आपको विटामिन सी लेना कैसे है, किस ढंग से आप विटामिन सी लीजिएगा, और किस ढंग से आपके भोजन में ये विटामिन सी प्रिजर्व रहेगा। तो इसमें आपको फूड सोर्स फंक्शन डिफिशियंसी कंप्लीट है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट को जानना चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को भी जानना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, धन्यवाद। अविनाश क्लासेस में आज का टॉपिक है विटामिन सी। विटामिन सी ये टॉपिक आज के कंटेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी कोरोना वायरस जो आजकल चला हुआ है उसमें लोग इसको इम्यून बूस्टर विटामिन भी बोलते हैं। ये इम्यून बूस्टर विटामिन है। इस विटामिन की खासियत ये है कि इसको वेजिटेबल विटामिन लोग बोलते हैं, वेजिटेबल विटामिन। मुख्यतः ये वेजिटेबल्स में ही पाए जाते हैं, और लाइम जूस इसका मेन सोर्स है। ये बहुत पहले ब्रिटिश लोग जो समुद्री यात्रा पर जाते थे, उस समय एक बीमारी था, एक डिजीज था, स्कर्वी। वो स्कर्वी डिजीज इसी विटामिन को लेने से ठीक हुआ। ये विटामिन ही उस डिजीज को ठीक कर पाया, इसलिए इसको हम एंटी स्कर्वी प्रॉपर्टी के चलते इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी रखा गया। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए कि ये एंटी स्कर्वी प्रॉपर्टीज होता है। तो हम ये जान रहे हैं फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स में ये विटामिन पाया जाता है। ये विटामिन वाटर में बहुत अधिक सॉल्युबल है और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। दूसरे विटामिन के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट और अल्कली से इजिली। और जब हम फूड को डिहाइड्रेटेड करते हैं, मतलब कि भोजन को अधिक गर्म करते हैं, जनरली किचन में लोग भोजन बनाता है तो वो पानी, सब्जी वगैरह बनता है तो उसमें पानी सुखाया जाता है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को इवोपरेट कराया जाता है, वैसी स्थिति में विटामिन नष्ट हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को शरीर में जाने के लिए तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका हम जानते हैं फंक्शन क्या है। इस विटामिन का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस विटामिन का कि ये कोलेजन का सिंथेसिस करता है। कोलेजन सिंथेसिस क्या है? कोलेजन एक इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस है। इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस है कोलेजन। ये सब्सटेंस क्या करता है? हमारे हड्डी के सेल्स को और मसल के टिश्यूज को जोड़ के रखता है ये कोलेजन। उसके सिंथेसिस में इसका अहम रोल है विटामिन सी का। दूसरा, मेकिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है कैसे? तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कराकर। आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगा तो क्या होगा? हेम का निर्माण होगा और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। तीसरा, हीलिंग ऑफ वुंड्स। हीलिंग ऑफ वुंड्स और एंड फ्रैक्चर्स। अगर शरीर में फ्रैक्चर हो गया या किसी तरह का कोई बीमारी हो गया, घाव वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हमको ये मदद करता है, उसको भरने में
उस फ्रैक्चर को और उस वुंड्स को हील अप करने में इसका अहम भूमिका है। उसके बाद इम्यून बूस्टर है ये, जो आज के कंटेस्ट में लोग बोल रहा है इम्यून बूस्टर होना चाहिए, ऐसा भोजन ले जो इम्यून बूस्टर हो, वायरस उस पर अटैक ना करे, उस तरह का ये विटामिन है। ये रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन और फीवर होता है ये विटामिन, और प्रॉपर ग्रोथ में मदद करता है हमारे सर। जब बॉडी ग्रोइंग होता है, ग्रोइंग पीरियड में जब ग्रोथ ग्रोथ स्टेज में होता है हमारा शरीर, तो उसमें ये विटामिन लेने से प्रॉपर ग्रोथ होता है शरीर का। उसके बाद नॉट बट द लिस्ट, ये विटामिन एंटी ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि विटामिन ई है, पहले बताया था हमने, ये विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को रोकता है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को रोकता है, प्रिवेंट्स विटामिन ए ऑक्सीडेशन और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो ये इसका हो गया फंक्शन। अच्छा, अब हम इसकी डिफिशियंसी की बात करेंगे। तो डिफिशियंसी हम लोग आसानी से जान जाए, डिफिशियंसी क्या है? अगर विटामिन ए सी डिफिशियंट है तो इंटरसेलुलर सीमेंटिंग एजेंट जो है हमारा कोलेजन सब्सटेंस, ये नहीं बन पाएगा। तो इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस नहीं का निर्माण नहीं होगा, और इससे क्या होगा, पुअर, यहां हम देख रहे हैं वुंड हीलिंग, पुअर वुंड हीलिंग हो जाएगा, पुअर वुंड हीलिंग, हमारा जो वुंड हीलिंग है वो पुअर हो जाएगा, इम्यूनिटी घट जाएगा, लेस इम्यून, हमारा शरीर लेस इम्यून हो जाएगा अगर डिफिशियंसी हुआ तो। ये सब डिफिशियंसी का है। अगर हमारा शरीर ये लेस इम्यून हो जाएगा, उसके बाद जो पेनफुल ज्वाइंट्स, ये फ्रैक्चर से रिलेटेड है, ज्वाइंट्स पेनफुल हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स हो जाएगा, और इससे स्कर्वी होता है, इससे एक इंपॉर्टेंट डिजीज है स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज फॉर द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। इसका सिम्टम क्या है? स्वेलिंग, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, एनीमिया, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, एनीमिया, ये सब सारी चीजें जो हैं वो फंक्शन से ही, इसका डिफिशियंसी से प्रॉब्लम जो होगा वो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इम्यून बूस्टर है ये, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए तो लेस इम्यून होगा, स्कर्वी हो जाएगा, पुअर वुंड हीलिंग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण में कमी हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा आदमी। तो ये सब चीज इसका ये है। और आज हम डिटेल में अभी जानेंगे इसका सोर्स क्या है, क्योंकि सारे लोग अभी बेचैन हैं ये कोरोना वायरस में विटामिन सी कहाँ कहाँ किस किस चीजों में मिलेगा, उसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि विटामिन सी आपको किन चीजों से प्राप्त हो सकता है। फूड सोर्स से जिसका क्या क्या है विटामिन सी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका फूड सोर्स है ऑरेंज, स्वीट लाइम, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन और वेजिटेबल्स, गुआवा, आंवला, कैबेज, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटोज, ये सब विटामिन का एक्सीलेंट सोर्स है। आप ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज, स्वीट लाइम, ग्रेप फ्रूट, लेमन, वेजिटेबल्स, गुआवा, आंवला, कैबेज, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो, ये सब गुड सोर्स है।
हाँ, सीरियल्स जो है वो पुअर सोर्स है, सीरियल्स आर पुअर सोर्सेस, पुअर सोर्स। ये सीरियल पुअर सोर्स है, पल्सेस पुअर सोर्स है। अगर पल्सेस को स्प्राउट करते हैं मतलब अंकुरित हो जाता है तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड बनता है, इसलिए अगर हमको पल्सेस लेना है तो स्प्राउटेड लेना है। स्प्राउटेड में विटामिन सी पाया जाता है, पल्सेज लेंगे तो स्प्राउटेड लेंगे उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। उसके बाद ग्रीन ग्राम कंटेन्स थ्राइस एज मच विटामिन सी एज कंपेयर टू बंगाल ग्राम। जो ग्रीन ग्राम है उसमें ट्रिपल मात्रा में विटामिन सी होगा कंपेयर टू बंगाल ग्राम। ग्राम मतलब चना, हम लोग जो हरा चना है उसमें तिगुना अधिक विटामिन सी पाया जाएगा जो जनरल चना बंगाल ग्राम हम लोग यूज करते हैं। स्प्राउट्स पल्सेस आर ए गुड अल्टरनेटिव टू फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्कार्सिटी। मतलब अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत है, जैसे अभी 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 लॉकबंदी है, लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में फ्रूट्स वेजिटेबल हमको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो विटामिन सी की हम भरपाई कैसे करेंगे? तो विटामिन सी की भरपाई उस समय में हम स्प्राउटेड पल्सेस से करेंगे। स्प्राउटेड पल्सेस, तो अभी मैं बता रहा था कि पल्सेस जो है वो स्प्राउटेड होना चाहिए। अगर हमको फ्रूट और वेजिटेबल का स्कार्सिटी है, नहीं मिल रहा है, तो स्प्राउट पल्सेज है। कैसे हम स्प्राउट पल्स लेंगे? और रॉ भी ले सकते हैं या उसको थोड़ा सा स्टीम्ड कर देंगे, हल्का सा उसको स्टीम्ड पल्सेज, जो अंकुरित मेरा पल्सेज है उसको हल्का स्टीम्ड कर देंगे या रॉ भी ले सकते हैं। वो हमारे विटामिन सी जो फ्रूट और वेजिटेबल से नहीं हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, और कौन कौन से सोर्सेज है? तो स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, गूसबेरीज एंड कैस्ट्यू फ्रूट, कैस्ट्यू CASHEW, कैस्ट्यू फ्रूट। ये सब सीजनल रिच सोर्सेज हैं विटामिन सी का। ये वही विटामिन सी है जिसकी चर्चा आज बहुत हो रही है, वही विटामिन सी है। लेकिन एक चीज और आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आंवला, आंवला विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है। ये 600 mg पर 100 ग्राम, ये आंवला हमको 600 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी देता है कंपेयर टू ऑरेंज जो कि मात्र 30 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी देता है। मतलब आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स, 20 टाइम्स ज्यादा विटामिन है इसमें सी, आंवला में, कंपेयर टू ऑरेंज। और एक और चीज मैं बता दूं, हीटिंग और डिहाइड्रेशन से विटामिन सी का जो कंटेंट है वो फ्रेश फ्रूट में घट जाता है। डिहाइड्रेशन करने से या हीट करने से वो कंटेंट घट जाएगा, लेकिन आंवला ही एक ऐसा चीज है जिसमें ये थोड़ी मात्रा में प्रिजर्व रहता है बॉयल करने पर भी। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया। एक और चीज मैं बता दूं कि हमको RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से एक वयस्क मनुष्य को कितना विटामिन सी लेना चाहिए, तो उसको विटामिन सी लेना चाहिए 1 माइक्रोग्राम पर डे, 1 माइक्रोग्राम विटामिन सी, सॉरी 1 माइक्रोग्राम, 40 mg, 40 mg पर डे उसको विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी उसको 40 mg पर डे चाहिए उसके शरीर में टू कीप अप द इम्यून बूस्टअप। तो मैं इसको एक बार में संक्षेप में बता देता हूं। देखिए, विटामिन सी का गुड सोर्स है ग्वावा, आंवला, कैवेस, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ऑरेंज, स्वीट लाइम, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन वेजिटेबल्स।
सीरियल्स जो है पुअर सोर्स है, लेकिन पल्सेस को, स्प्राउटेड पल्सेस को भी आप खा सकते हैं, रॉ खाइए, स्टीम्ड खाइए, अगर फ्रूट वेजिटेबल नहीं मिलता है। अगर चना की बात करते हैं तो ग्रीन ग्राम जो हरा चना है उसमें ये 3 टाइम ज्यादा विटामिन सी है कंपेयर टू बंगाल ग्राम। RDA कितना है विटामिन का पर डे कितना लेना चाहिए, 40 ग्राम। हम स्प्राउटेड पल्सेस को स्टीम्ड और रॉ ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, गूजबेरीज, ये काजू, ये सब रिच सोर्स है। आंवला द इज द रिचेस्ट सोर्स, 600 mg हमको मिलेगा 100 ग्राम आंवला में, जबकि ऑरेंज में 30 mg ही 100 ग्राम मिलेगा। लोग बोल रहे हैं ऑरेंज बहुत अच्छा सोर्स है, आंवला सबसे अच्छा सोर्स है। आंवला को अगर बॉयल भी कर दीजिएगा तो भी विटामिन सी उसमें रहता है, उतनी मात्रा में नहीं रहेगा लेकिन रहता है। लेकिन बाकी चीज को, विटामिन सी को दुश्मनी क्या चीज से है, इसको ज्यादा हीट कीजिएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजिली। विटामिन सी डिहाइड्रेट कीजिएगा तो भी ये विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। तो ये विटामिन सी जो है जितना अच्छा विटामिन है इसको प्रिजर्व करना थोड़ा दिक्कत है, इसको खाना किस तरह से है जो विटामिन सी आपके शरीर में जाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने स्पेशली ये फूड सोर्सेज पर कंसंट्रेट किया है जो कि आज के कंटेस्ट में बहुत ही जरूरी है इसके बारे में जानना। तो आप लोग विटामिन सी का सेवन करें, मजबूरी में फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं मिलता है पल्सेज लें, स्प्राउटेड पल्सेज लें, उसका सब्स्टिट्यूट है, और अपने घर पे रहें, स्टे होम, सेफ, बी सेफ, और कोरोना वायरस से बचते रहें। तो एक तरह से ये विटामिन सी पढ़ाते हुए हमने आपको एंटी कोरोना डाइट भी बता दिया, कि वो एंटी कोरोना विटामिन मानिए इसको आज के कंटेक्स्ट में। नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा उद्देश्य लाइक और सब्सक्राइब करने से ये नहीं है कि लाइक मेरा बढ़ेगा सब्सक्राइब बढ़ेगा, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका फीडबैक हमको लेना, आपको कैसा लगा वीडियो, वो चीज़ हमको चाहिए, वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको इसलिए अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और इसको देखिएगा, कमेंट जरूर डालिएगा, जिसको कुछ नहीं समझ में आए वो जरूर पूछेंगे, मेरे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे, उनको इससे फायदा होगा। फंक्शन डिफिशियंसी और फूड सोर्स, इतना चीज मैंने आपको आज बता दिया, इसलिए विटामिन सी का टॉपिक आज खत्म हो गया। धन्यवाद।